अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो बेटा कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर में जो है चैप्टर नंबर 12 हमने शुरू किया हुआ है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसी चैप्टर में से एक टॉपिक को हम आगे आज फर्दर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर तक बेटा हम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने ब्रेन को देखा, ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा, ब्रेन के फंक्शंस को देखा, फिर जो सेकंड पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड उसको हमने काफ़ी डिटेल में देखा। तो बेटा आज के लेक्चर के साथ जो है हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शुरू करने जा रहे हैं। बेटा मैंने शुरू में आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जो नेक्स्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देख लेते हैं बेटा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। पेरिफेरीज बेटा क्या होती हैं? साइड्स, सेंटर से जो साइड्स निकली हुई होंगी, जो वहां पे नर्व्स होंगी वो मिलके क्या बनाएंगी आपके पास? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहली बात कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेटा आपके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, पहला नर्व्स, नर्व्स प्लस गैंग्लियन। सिंपली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स एंड द गैंग्लियंस। तो बेटा अब गैंग्लिया जो है आपके लिए थोड़ी सी एक न्यू टर्म है। गैंग्लिया आपके पास है बेसिकली दीज आर दी क्लस्टर्स। गैंग्लिया दीज आर दी क्लस्टर्स। किसके क्लस्टर्स? क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स आउटसाइड दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सिंपली बेसिकली ये क्या है बेटा? जब हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि जब हम न्यूरॉन को ड्रा करते हैं तो बेटा इसमें इस तरह से आपके पास एक सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे भी डिफरेंट तरह की एक्सटेंशन आपको नजर आ रही होती हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास कहलाता है सेल, सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या आता है? न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ दी साइटोप्लाज्म। और ये वाला जो रीजन था इसको हमने क्या कहा था? एक्सॉन। तो जो आपके पास गैंग्लिया होंगे ठीक है वो किससे मिलकर बने होंगे? क्लस्टर, मतलब बहुत सारी जो सेल बॉडीज हैं वो आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होंगी। और ऐसे जो सेल हैं स्पेशलाइज्ड वो आपके पास क्या कहलाते हैं? गैंग्लिया कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब बेटा गैंग्लिया की बात हो गई, अब देखते हैं नर्व्स। नर्व्स बेटा आपके पास या तो ब्रेन से निकलेंगी या ब्रेन की तरफ पहुंचेंगी या स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएंगी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि नर्व्स राइज, राइज का मतलब होता है निकलना। नर्व राइज और लीड्स टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? या दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या ब्रेन से नर्व्स निकलेंगी या ब्रेन की तरफ नर्व्स आएंगी। इसी तरह से या स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलेंगी या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएंगी। अब देखते हैं बेटा इनके नंबर्स की तरफ के, जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कितने हैं, जो क्रैनियल नर्व्स हैं वो कितने हैं। अगर बेटा ऐसी ऐसी तमाम की तमाम नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती हैं या लीड टू ब्रेन होती हैं, ऐसी नर्व्स को हम कहते हैं क्रैनियल। मतलब ब्रेन के रिलेटेड बेटा जितनी भी नर्व्स होंगी वो आपके पास क्या कहेंगी? क्रैनियल नर्व्स, ठीक है? और इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी आपके पास नर्व्स होंगी वो क्या कहलाएंगी? स्पाइनल नर्व्स। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इनके नंबर्स की तरफ। बेटा जो आपके पास ब्रेन है इसमें क्रैनियल नर्व्स के 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स। इसी तरह से अगर देखें स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर होते हैं, वो होते हैं बेटा आपके पास 31 पेयर। अब आते हैं इनकी कंपोजिशन की तरफ। जो है आपके पास क्रैनियल नर्व्स ये तीन तरह की हो सकती हैं, इनमें से कुछ सेंसरी होंगी
कुछ मोटर न्यूरॉन्स होंगी सेंसरी, कुछ होंगी मोटर और कुछ होंगी मिक्स नर्व्स होंगी, ठीक है। लेकिन जो आपके पास 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स के हैं, तो बेटा वो सारी की सारी जो आपके पास नर्व्स हैं वो क्या होंगी आपके पास, वो होंगी मिक्स नर्व्स। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि सेंसरी नर्व्स क्या हैं, मोटर नर्व्स क्या हैं और मिक्स नर्व्स क्या हैं। तो बेटा सेंसरी नर्व्स आपके पास ऐसी नर्व्स होती हैं जो इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। जो आपके पास मोटर है वो क्या करती हैं, कोऑर्डिनेटर से रिसेप्टर की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो मिक्स नर्व है उनमें दोनों ही काम होते हैं, सेंसरी नर्व भी होती है मोटर भी होती है, ठीक है। कंटेन बोथ, मतलब ये दोनों काम भी करते हैं। क्लियर हो गया? चले अब तक क्या डिस्कस कर लिया हमने के पेरिफेरल नर्व सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, उसमें जो गैंग्लियन या गैंग्लियन हैं वो क्या हैं, जो नर्व्स हैं वो कितनी तरह की होती हैं, उनमें कितने कितने पेयर होते हैं और जो उनकी कंपोजिशन वो किस किस तरह से होती है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखते हैं आपके जो उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है उस पर थोड़ा सा जो है ना वो हम देखते हैं कि वो किस तरह से होती है। बेटा आपके पास हमने देख लिया सेंसरी या जो है ना मोटर नर्व्स आई हैं, क्रेनियल प्लस स्पाइनल नर्व्स हमने दो तरह की डिस्कस की हैं। ये दोनों जो मिलके क्या बनाती हैं, दो तरह के पाथवेज बनाती हैं, ठीक है। एक सेंसरी पाथवे जो इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की तरफ लेके जाता है, वो दूसरा बेटा जो मोटर पाथवे, बेटा जहां भी वर्ड सेंसरी आ जाए, सेंसरी का मतलब है फ्रॉम रिसेप्टर, रिसेप्टर अब क्या है, कोई भी बॉडी का ऐसा टिश्यू, ऐसा ऑर्गन, ऐसा सेल जो क्या करता है इंफॉर्मेशन को, जो किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर, और दूसरी तरफ बेटा आपके पास मोटर पाथवे है उसमें क्या होता है, फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर। क्लियर हो गया? अब ये जो मोटर पाथवे है इसको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं बेटा सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसकी फर्दर हम क्लासिफिकेशन करते हैं मजीद दो कैटेगरीज में, वो है बेटा आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया? चलिए अब इनकी फर्दर जो है ना थोड़ी सी डिटेल की तरफ आते हैं कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है। तो बेटा यहां पे देखते हैं सबसे पहले सोमेटिक नर्वस सिस्टम को। तो जो आपके पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो बॉडी की तमाम ऐसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है और वॉलेंट्री है, ठीक है। सिंपली आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ विच आर अवर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल एंड आर वॉलेंट्री। तो यहां बेटा मैं लिख देता हूं कॉन्शियस कंट्रोल प्लस वॉलेंट्री।
अब देखेंगे वो एंट्री आपके बॉडी में कौन से एक्शन है बेटा, तो जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है बेटा वो आपके अपने कॉन्शियस कंट्रोल में होती है, ठीक है। तो इट इंक्लूड ऑल द मोटर न्यूरॉन, इट इंक्लूड ऑल द मोटर न्यूरॉन्स, कौन सी, दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कहां तक की, स्केलेटल मसल्स। क्लियर हो गया। अब सोमैटिक के बाद आता है आपके पास दूसरा ऑटोनॉमिक। तो ऑटोनॉमी क्या होगा बेटा, इसके अपोजिट होगा, उसमें जो हमारे पास नॉट कॉन्शियस कंट्रोल, पहला पॉइंट आ जाएगा एक्टिविटीज विच आर नॉट अंडर अवर कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है। पहली बात तो आगे इनवॉलंटरी एक्शन होंगे वो, जब इनवॉलंटरी होंगे तो बेटा उसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे, इट इंक्लूड आपके पास आ जाएगा जी दी मोटर न्यूरॉन्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड दी, आपके पास आ जाएंगे कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, एंड ग्लैंड्स, ठीक है। मतलब ये जितने भी हैं ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। अब इसको फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक सिंपैथेटिक और दूसरी पैरासिंपैथेटिक। अब देख लेते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है बेटा। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे का पूरा एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग सिस्टम भी है, इसमें जो शॉर्ट सिस्टम भी बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर बेटा हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये जो है आपके पास ये ऐसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा जो स्ट्रेस सिचुएशन, इट डील्स विद द स्ट्रेस सिचुएशन, इट डील्स विद द एमरजेंसी सिचुएशन। मतलब अगर बॉडी में कोई एमरजेंसी आ गई है, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया है या कहीं पे कोई आग लग गई है, कुछ भी हो गया है, ठीक है, आपकी लड़ाई हो गई है, तो वो जो सारी की सारी सिचुएशन है उसको कौन कंट्रोल करता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सो इट डील्स विद दी एमरजेंसी सिचुएशन। किस तरह से डील करता है, क्या क्या करता है बेटा, आपको पता है कि जब भी कोई ऐसा माजरा हो जाए तो क्या होता है, आपका हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज इन हार्ट बीट। मतलब ये किस तरह से अपना एक्शन करता है, इंक्रीज इन हार्ट बीट, इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, डायलेशन ऑफ प्यूपिल्स, मतलब जो आपकी आईज के प्यूपिल्स हैं वो क्या कर जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, मतलब ब्रॉड हो जाएंगे, डायलेशन ऑफ आई प्यूपिल्स, इसी तरह से इनहिबिशन ऑफ डाइलेशन, इनहिबिशन ऑफ डाइलेशन। क्लियर हो गया कि जो सिंपैथेटिक, आपको पता है कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी क्या होगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी, ब्रीथिंग रेट आपका तेज हो जाएगा, जो आपकी आईज के जो प्यूपल्स हैं वो क्या कर जाएंगे, डायलेट कर जाएंगे, इस तरह से जो डाइलेशन है उसकी इनहिबिशन हो जाएगी। अब बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है आपके पास पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि व्हेन स्ट्रेस एंड, जब की इमरजेंसी सिचुएशन खत्म होने वाली होती है, व्हेन स्ट्रेस एंड्स, ये क्या करता है, इट नॉर्मलाइज द बॉडी फंक्शन,
इट नॉर्मलाइज दी कैसे करता है, अब ये बिल्कुल उनके अपोजिट करेगा, डिक्रीज इन हार्ट बीट, डिक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, ठीक है, ब्रीथिंग रेट डिक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो इसके अपोजिट आ जाएगा, यहाँ पे क्या थे प्यूपल डायलेट हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे कंस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल्स ऑफ आइज, इसी तरह से प्रमोट डाइलेशन, क्लियर हो गया बेटा। हमारे पास चार पॉइंट हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस किस तरह से अपना काम करते हैं। सिंपैथेटिक काम करता है बेटा इमरजेंसी सिचुएशन में, और जो दूसरा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपको इमरजेंसी सिचुएशन जब खत्म हो जाती है तो आपकी बॉडी के फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए अपना रोल प्ले करता है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स, नर्व्स एंड द गैंग्लियंस। नर्व्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। There are 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. All the cranial nerves are maybe sensory, maybe motor, or maybe mixed neurons. On the other hand, all the spinal nerves are the mixed neuron. Then we have discussed the different categorization of the somatic nervous system and the autonomic nervous system. तो आज के लिए बेटा इतना ही, इसे आप अच्छे से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन भी और ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी इसे प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।